हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दरअसल टिक टिक गाड़ी की आवाज़ तो सबने सुनी होगी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बाइक में आने वाली टिक टिक आवाज़ की। वो भी क्यों? क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि यार बाइक में टिक 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 की एक आवाज़ आती रहती है, किट 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 टिक 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 की आवाज़ आती रहती है। तो मोस्ट ऑफ द बाइक जो है हमारी, उन सब में फंक्शन सेम है कह सकता हूँ। बेसिकली इशू हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो, बट ये वीडियो जो है, इस वीडियो का बेसिक मोटिव जो है वो आपको ये चीज़ समझाना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। और मैं बेसिकली जो आज मेथड बताऊंगा वो मेथड है बजाज की बाइकों के लिए, मोस्ट ऑफ द बजाज की बाइकों में आने वाली उस साउंड को ख़त्म कैसे कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाइक में हमारी एक टाइमिंग चेन होती है, उस टाइमिंग चेन के जस्ट साथ ही में एक टाइमिंग चेन का टेंशनर लगा हुआ होता है जो उस चेन को टाइट करके रखता है। तो जितनी भी बारी वो टाइमिंग चेन मूव करती है वो टेंशनर उसको टाइट करके रखता है, और जब कभी भी वो टेंशनर धीरे 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 अपनी ग्रिप रिलीज कर देता है तो वो धीरे धीरे उस चेन को भी ढीली कर देता है। इस रीज़न से ही वो टिक टिक की आवाज़ आने लग जाती है। और वो आवाज़ को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही बेसिक मेथड है जिसके लिए आपको सिर्फ दो टूल्स की ज़रूरत है। पहला है हमारी एक 10 नंबर की की का, और दूसरा है हमारे एक सिर्फ स्क्रू ड्राइवर का, माइनस का। जैसा कि मैंने आपको बेसिक टूल की वीडियो में बताया था, एक माइनस का स्क्रू ड्राइवर बहुत बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में हम इन दो टूल का यूज़ करेंगे सिर्फ, और मैं आपको समझाऊंगा इन दो टूल का यूज़ करके कैसे आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मेरे पास वही मेरी बजाज की पल्सर है, यहाँ पर हमारे एक बोल्ट है, तो इस बोल्ट के जस्ट पीछे ही हमारे एक स्क्रू कसने के लिए चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी किट सुना देता हूँ किस तरीके की है। जैसा कि सुना आपने, इसमें किट 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 की आवाज़ आ रही है। तो इस किट किट की आवाज़ को फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। इसे खोलने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर हमारी एक की, जो कि होगी हमारी 10 नंबर की। तो इसको यूज़ करके मैं इसे खोलूँगा, नंबर 10। तो इसको मैं यहाँ पर, एक रबड़ का है वॉशर इस पे लगा हुआ। इसके बाद जैसे ही मैं इंजन को स्टार्ट करूँगा, आवाज़ में से एक बहुत ही सुरसुरी सी आवाज़ आएगी, सुन सकते हैं आप। तो इस आवाज़ को एडजस्ट करने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा, और इस स्क्रू ड्राइवर को इसमें थ्रो करूंगा मैं, और अंदर थ्रो करके यहाँ पर मुझे एक, कह सकता हूँ, एक माइनस का एक स्क्रू मिलेगा। और इसको मैं जितना भी टाइट करता जाऊँगा इसकी आवाज़ उतनी एडजस्ट होती जाएगी। वंस अगेन, बेसिकली वो जो प्रॉब्लम थी वो उसी चीज़ की थी, और मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है। और उसके बाद अब आप आवाज़ सुन सकते हैं, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, जिसमें वो साउंड जो किट 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 की थी कह सकता हूँ, वो आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो लेट्स हैव अ ट्राई। इसमें से हवा ना निकले इस रीज़न से आपको आवाज़ क्लियर आए, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपनी एक फिंगर, इसको लगा कर मैं जैसे सेल्फ स्टार्ट करूँगा। देखा आपने, वो आवाज़ जो पहले आ रही थी अब आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसको मैं वापस वैसे ही स्क्रू कर देता हूँ जैसे मैंने इसे खोला था। और सेम की का यूज करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं।
ये था एक बेसिक मेथड इस चीज़ को ठीक करने का। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आई हो तो आप बेसिकली इतना ही समझिए, ये प्रॉब्लम जो है वो है हमारे टाइमिंग चेन एडजस्टर की, जो कि चेन रिलीज़ कर देता है, उस रीज़न से ही आवाज़ आने लगती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी मैं जल्द ही वीडियो बनाना चालू करूँगा, इस चैनल को वर्सटाइल बनाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और नए वीडियोस के लिए इसी चैनल पे लगे रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर सकते हैं चैनल को, किसी को चाहते हैं और पता चले तो शेयर कीजिए, नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेरी हो मन में तो कमेंट कीजिए, बेशक आपको आपके सारे जवाब मिलेंगे। तो मिलते हैं जानी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।